वहाँ भारती को आपने लिया, इसके पीछे मकसद क्या है? ये तो एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, इसके पीछे कोई फिलॉसफी होगी, कोई सिद्धांत होगा। व्यक्ति आपकी पार्टी में इंपॉर्टेंट होता नहीं है, पिछले 10-15 साल में बन गए, वो दूसरी बात है। देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा है। मैं जिस दिन से अध्यक्ष हूँ, मैंने अर्जुन जैसी मनस्थिति बनाई है। मुझे 2014 का चुनाव दिख रहा है। जब आपके नेता अमेरिका लोगों से बात करते हैं कि हिंदुत्व तो हमारे लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वोट के लिए कन्वीनियंस के लिए हम बोल देते हैं, अब उसके बाद आप डिनाई करते हो, दूसरी बात है कि अगर वो सच नहीं है तो बाकी चीज़ें भी सच नहीं है जिसके बारे में आप आक्रमण करते हो। देखो, ऐसा है प्रभु जी, कुछ बातें तो आपके बड़े इंटरेस्ट के हैं और इसलिए मीडिया के इंटरेस्ट के कभी वो आप बात जो कह रहे हो और जिनके बारे में विकीलीक्स में मैंने तो नहीं लिखा ना, ये विकीलीक्स में उन्होंने ऐसी बात नहीं की, वो मिस इंटरप्रेट किया गया। मनमोहन सिंह के बारे में जो कहा वो भी गलत है। फिर देखिए, मैं जो जानता हूँ जो हमारे नेता ने क्या उसके बारे में। हिंदुत्व को आप पॉलिटिकल एजेंडा नहीं मानते क्योंकि ये आपकी वे ऑफ लाइफ है, थिंकिंग है, आइडियोलॉजी, राजनीति से जोड़ना नहीं चाहते, पर मंदिर वहाँ बनाएंगे आपने। देखो, आप एक बात करिए, एक बार इस देश में इंग्लिश मीडिया में एक बार इसका डिबेट होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंदुत्व। हिंदुत्व का सही अर्थ तो समझे, मुझे बताइए, सेकुलरवाद के नाम पर आतंकवाद का तुष्टिकरण होता है, ओसामा जी करके उल्लेख होता है, उसमें कोई बोलता नहीं। गिलानी यहाँ दिल्ली में आते, अरुंधति राय और गिलानी दोनों मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं, उनके सर पर ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, और भगवे कपड़े पहने हुए साधु सन्यासी के ऊपर कपड़े छोड़कर मारते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, और हिंदू समाज के वहाँ लोग जो संत हैं, साधु संत हैं, उनको अपमानित करते हैं, और ये क्या है, सेकुलरवाद है? जिस तरह की भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, आपको लगता है नितिन गडकरी जी आदि अध्यक्ष जो हैं दिग्विजय सिंह किस तरह भाषा का प्रयोग करते हैं या कुछ और लोग करते हैं, आपके बारे में आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बेचारे अगर कुछ बोलते हैं तो उसको देखते हुए उनको उदार अंतकरण से माफ़ कर देना चाहिए, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। देखो, उनकी पार्टी भी उनको सीरियसली नहीं लेती, अनेक बार बोलते हैं और पार्टी बोलती है उनसे सहमत नहीं है। रामदेव के ऊपर बाकी जिस तरह के वहाँ पर आक्रमण हुआ, वहाँ पर जिस तरह से लोगों को मारा पीटा गया, आपको लगता है सरकार और पार्टी दोनों मिलकर जो आप बार बार आपके सुने जी और मनमोहन सिंह, मनमोहन जी ने अपनी ताकत का दिखा तो दिया कि हम जो ताकत जब हम यूज़ करेंगे तो दिखा देंगे कि आप कैसे क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छी ताकत दिखाई उन्होंने, निहत्ते लोगों को पीटा, महिलाओं को पीटा, उनके कपड़े फाड़े, बुजुर्ग लोगों के हाथ पैर तोड़े, साधु संतों के कपड़े छोड़कर उनको मारा। उन्होंने तो मनमोहन सिंह मुर्दाबाद का भी नारा नहीं दिया था, इस प्रकार के महिलाओं के कपड़े फाड़कर उनका विनय भंग किया गया। बहुत ताकतवान काम किया मनमोहन सिंह जी ने, उनके तो अभिनंदन का प्रस्ताव पास करना जैसा आप बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, क्या इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना गुनाह है? क्या इस देश में कालाधन वापस लाओ ये बोलना गुनाह है? और इस बोलने वाले लोगों को इस प्रकार से मरवाया जाएगा, इस प्रकार से लाठी से ठोका जाएगा? और ये सरकार अगर सीरियस है कालाधन वापस लाने के लिए, तो जिस प्रकार से कैसे सीरियस है, जैसे आतंकवाद को समाप्त करने के ऊपर पाकिस्तान जितनी सीरियस है, उस प्रकार से इनका व्यवहार है। आप अन्ना हजारे और रामदेव को अपने नेतृत्व में शामिल करेंगे? चलिए, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूँ, हम कोई राजनीतिक नहीं सोचते, इस देश के हित में कालाधन वापस लाना चाहिए, इस देश से भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान बनाना चाहिए, इसमें जो भी कोई आंदोलन करेंगे उनको हम लोग खुले रूप से समर्थन देंगे। हमारी राजनीतिक करियर का क्या होगा, हमारी इमेज का होगा और चुनाव का क्या होगा, ये हमको चिंता नहीं है, हमको चिंता इस देश का क्या होगा और हम उनको पूरा सहयोग करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या? आपने अच्छा पूछा ये सवाल है। राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है। मैं तो राजनीति में इसलिए आया हूँ, ना मुझे कोई चुनाव लड़ना है ना राज्यसभा जाना है। अगर लड़ेगा चुनाव तो मैं लोकसभा लड़ूँ, तो आप कहोगे कि तुम्हारे में हिम्मत नहीं, तो मैं जरूर लड़ूंगा, पर मेरी एम्बिशन कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की नहीं है। देश के सब सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है? देखिए साहब, देश के सामने सबसे बड़ा खतरा है भ्रष्टाचार। आप मुझे बताइए, 10 लाख करोड़ का हमारा बजट है और उसमें से 5 और 6 लाख करोड़ के अगर स्कैंडल्स निकलेंगे तो क्या इस देश की आज जा रहा है? मतलब आप इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करेंगे, व्यक्तियों को ब्लेम करेंगे, सिस्टम को ब्लेम करेंगे? रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है।